में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला मैं नहीं मानता हां कि सही है। वो फैसला इसलिए सही नहीं है क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं इस कानून का मिसयूज कर रहे हैं। अरे हम लोग इतने कमजोर है, गांव देहात के लोग इतने कमजोर इतने कमजोर इतने कमजोर है कि बलात्कार होने के बाद उसकी एफआईआर दाखिल करने की हमारे लोगों की हिम्मत नहीं होती। इतने हम लोग कमजोर है, अन्याय होने के बाद हमारे लोग एफआईआर दाखिल करने की हिम्मत नहीं करते। उनका काउंसलिंग करना पड़ता है तब कहीं जाकर के तैयार होते हैं, तो ये लोग मिसयूज कहां से करेंगे? अरे यूज नहीं कर सकते तो मिसयूज कहां से करेंगे? यूज नहीं कर सकते मिसयूज कहां से करेंगे? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसके आधार पर उन लोगों ने ये फैसला दिया कि एफआईआर दाखिल होने के बाद उनको अरेस्ट ना किया जाए, जांच पड़ताल एसएसपी के द्वारा किया जाए और एसएसपी के द्वारा करने के बाद फिर उसको अरेस्ट किया जाए, पहले ना किया जाए। वो अधिकारी अगर ऊंचे जाति का है तो वो सही किस्म से जांच करेगा, इसकी क्या गारंटी है? दूसरा फैसला उन्होंने दिया कि इन लोगों को जमानत भी दिया जाए। अरे जब आप जांच पड़ताल करने के बाद उसको अरेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप जांच पड़ताल में आरोप सही पा रहे हो। जब आरोप सही है तब आप अरेस्ट करने का ऑर्डर दे रहे हो, तब आप अरेस्ट करने का जांच के बाद सही आरोप पाने के बाद अरेस्ट कर रहे हो, फिर जमानत क्यों दे रहे हो? बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी फैसला है, कॉन्ट्रडिक्टरी फैसला है। इसलिए ये फैसले से हम लोग सहमत नहीं है। हम लोगों ने सारे देश भर में इसके विरोध में चार चरणों में आंदोलन करने का ऐलान किया। पहला चरण 4 अप्रैल को होगा। पहले चरण में जिला मुख्यालय पर 500 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नंबर दो, 12 तारीख को प्रदर्शन रैलियां की जाएगी सारे देश भर में, प्रदर्शन रैलियों का जिला मुख्यालय पर एक जगह से रैली शुरू होगी, 4-5 किलोमीटर चलने के बाद जिला मुख्यालय पर जाकर कलेक्टर को निवेदन देगी। तीसरी, अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो राज्य लेवल की कैपिटल में जो भी कैपिटल होगा उसमें लाखों लोगों की रैलियां होगी। इसके बाद भी सरकार ने नहीं माना तो चौथे चरण का आंदोलन जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ऐसा 4 चरणों में हमारा आंदोलन होगा। यह आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा के नाम पर होगा और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मिलकर सारे देश भर में आंदोलन करेंगे। आंदोलन में महत्वपूर्ण मांगे ये होगी, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश पार्लियामेंट में ले जाकर इस आदेश को रद्द किया जाए और नया सख्त कानून बनाया जाए। पार्लियामेंट के पास ही पावर है इसको रद्द करने का, और सख्त कानून जो है पास किया जाए। और ये कानून के दायरे में अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा घुमंतू जाति के लोगों को भी इस कानून का प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उनके साथ भी इसी तरह का अन्याय अत्याचार होता है। तीसरी बात ये कि ये जो कानून है जिसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है, समीक्षा किया जाता है, उधर बैठे ब्राह्मण लोग हैं वो हमारे कानून को समीक्षा करके रद्द कर देते हैं, इसलिए संविधान में संशोधन किया जाए और ये कानून संविधान के 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। 9th शेड्यूल में डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का, समीक्षा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए साथियों हमारी ये मांगे हैं, इसके लिए 4 चरणों में आंदोलन होगा और ये आंदोलन करने के लिए आप सभी लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक बात और कहता हूं, भारत के हम।